ओम परमात्मने नमः। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए भगवान 8वें 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं कि रसो अहम मप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृसु। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है तो रुपये पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है, ऐसे ही देखने सुनने मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। भगवान ने सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही गई है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूं, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है, जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए प्रकरण आया है। तो रसो अहम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व तो कुछ नहीं रहेगा, अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूं। तो प्रभास्मि शशि सूर्ययो, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है वो मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूं। प्रणव सर्व वेदेशु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई है, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे, प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव मैं ही हूं। शब्द है सब जगह, ये जो पोलाइट दिखती है ये आकाश है, आकाश सब तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन्मात्रा में ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है, शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वो शब्द मैं ही हूं। पौरुषम नरसु, मनुष्यों में सार जीव जो पुरुषार्थ है वो मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपर आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है अर्थात निरर्थक है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।